सुप्रभातम। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ 13 प्रकरण में हमारे पास है अमृतम संस्कृतम। इस पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में बताया गया है कि सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत भाषा है, और किस प्रकार संस्कृत भाषा से अन्य भाषाओं का निर्माण हुआ है, और पूरे विश्व में संस्कृत भाषा को क्या महत्व दिया जाता है, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कला के क्षेत्र में हो, या किसी अन्य क्षेत्र में हो। तो संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ने से पहले इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ है उसको हम देखेंगे। जैसे भाषेयम, भाषा धन इयम का अर्थ है यह भाषा, इयम मतलब यह भाषा मतलब भाषा, मता मतलब मानी गई है, निधि मतलब खजाना, और विचार मतलब विचार कर या मानकर, जगत मतलब संसार में, संसार में यह भाषा विचार करके खजाना क्या है मानी गई है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा पूरे विश्व में क्या है, सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी गई है। तो अब हम इस पाठ की रीडिंग बुक के माध्यम से करेंगे, तो आप मेरे साथ बुक पे ध्यान से देखेंगे, तो देखेंगे आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे। त्रयोदशा पाठम, 13वां पाठ, अमृतम संस्कृतम। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। विश्वस्य मतलब विश्व में उपलब्धासु मतलब उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है, सबसे क्या है प्राचीन भाषा है। भाषेयम् अनेकासाम भाषाणाम जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी है, जननी मता मतलब जननी मानी जाती है। कौन? संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीन नयोह ज्ञान विज्ञानयोह निधिः अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें क्या है, सुरक्षित है। किसमें? संस्कृत भाषा में सभी ज्ञान विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त है या सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृतस्य मतलब संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, कथितम् मतलब कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम् संस्कृत स्तथा। कहने का अर्थ है भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, द्वय प्रतिष्ठाएं मतलब दो प्रतिष्ठाएं हैं, क्या? संस्कृत और संस्कृति, मतलब हमारी देश की जो प्रतिष्ठा है वह एक संस्कृत भाषा है और दूसरी हमारी क्या है, संस्कृति है। सभी विश्व में हमारी संस्कृति और संस्कृत भाषा का बहुत महत्व है। तो आगे देखेंगे, इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा क्या है, बहुत ही वैज्ञानिक है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। क्या है? केचन कथयन्ति मतलब कुछ कहते हैं कि, यत् मतलब कि, संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। संगणक मतलब होता है कंप्यूटर। कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर के लिए क्या है, सबसे अच्छी भाषा क्या है, संस्कृत भाषा है। अस्या वांग्मयम वेदेह पुराणेह नीतिशास्त्रेह चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। कहने का अर्थ है इसका साहित्य, वेद मतलब साहित्य, पुराणों, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्रों आदि के द्वारा संपन्न है। कौन? संस्कृत भाषा वेदों में, पुराणों में, नीति शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र आदि में क्या है, परिपूर्ण है, समृद्ध है। कालिदास कालिदासादीनम
विश्व कविना काव्य सौंदर्यम अनुपम। ठीक है ना, जो विश्व प्रसिद्ध कवि कालिदास है उन्होंने कहा है, उन्होंने भी यही कहा है, कौटिल्य चरितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। ठीक है ना, और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है वह भी क्या है, संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टा अकरोत। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन मतलब आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था, जो क्या है एक भारतीय थे, आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा शास्त्र में मतलब जो मेडिकल में है, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में क्या है, प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्धम मतलब विश्व में प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र मेडिकल में चरक और सुश्रुत का योगदान क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत यानी अन्यानी शास्त्राणी विधिहंते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिष शास्त्रम विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। कहने का अर्थ है कि संस्कृत में जो अन्य शास्त्र है उनमें, जो संस्कृत में अन्य शास्त्र है उनमें क्या है, वास्तुशास्त्र रसायन शास्त्र खगोल विज्ञान ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि क्या है, उल्लेखनीय है। कहने का अर्थ है कि जो भी अन्य आविष्कार होते हैं वो सारे के सारे क्या है, संस्कृत भाषा में ही उल्लेखनीय है। पहले उनका क्या है, संस्कृत भाषा में ही उल्लेख मिलता है। संस्कृते विद्यमान सुक्तया अभ्युदया प्रेरयन्ति। कहने का अर्थ है संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ सब प्रकार से उन्नति के लिए क्या है, प्रेरित करती है। जो संस्कृत में हमारी क्या सूक्तियाँ है वह हमें हर प्रकार के लिए प्रेरित करती है। यथा जैसे सत्यमेव जयते, जैसे क्या है सत्य की विजय होती है। एक उक्ति है कि सत्यमेव जयते, आपने ध्येय वाक्य सुना होगा भारत का, तो सत्य में वो जयते मतलब सत्य की विजय होती है, हमेशा क्या है सत्य की विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी परिवार के समान है। दूसरा ध्येय वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है सारी पृथ्वी हमारा क्या है, एक परिवार के समान है। विद्याय अमृत अमृतम अश्नोते, विद्यायाम अमृत अश्नोते। कहने का विद्या में मनुष्य अमृत पीता है, विद्या से ही क्या है मनुष्य क्या है अमृत, जिस मनुष्य के पास विद्या होगी वह क्या है अमृत, उसकी वाणी क्या है अमृत के समान होती है। योगः कर्मशु कौशलम इत्यादया, कर्म में कुशलता ही योग है। जो कर्म करता है वह व्यक्ति ही क्या है कुशल होता है। और आगे है सर्वभूतेषु आत्मवता व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा समयक शिक्षयति, और सबके साथ समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा सबको यही शिक्षा देती है। सर्वभूतेषु आत्मवता व्यवहारम कर तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयन्ति। कहने का अर्थ है कि क्या है सबके साथ समान व्यवहार, सब लोगों के साथ समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा सबको यही शिक्षा देती है, सबको यह शिक्षा देती है। आगे देखेंगे केचिन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ लोग केचिन मतलब कुछ लोग, कथयति मतलब कहते हैं कि यत् मतलब कि संस्कृत भाषायां
केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। यह क्या है, गलत है। वो कहते हैं कि या कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में सिर्फ क्या है, धार्मिक ग्रंथ ही लिखे गए, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा ठीक नहीं है। समीचीना मतलब ठीक नहीं, नास्ति मतलब नहीं है। या जो जिस जो लोग जिन लोगों की यह धारणा है कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, तो वह उनकी धारणा क्या है, गलत है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत के ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथेषु मतलब संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवनाय मनुष्य के जीवन के अनेक प्रकार के विषय भरे पड़े हैं। मनुष्य के जीवन के अनेक प्रकार विषय भरे पड़े हुए संस्कृत में, कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, मनुष्य को कैसा जीना चाहिए आदि। ठीक है, महापुरुषाणाम तो महापुरुषाणाम मति है, क्या है, महापुरुषों की मति उत्तम जनानाम धृति है, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति चा वर्णिता संति। उन लोगों की धारणा गलत है, परंतु संस्कृत साहित्य में क्या है, महापुरुषों की मति, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन शैली इसमें वर्णित है। किसमें, संस्कृत भाषा में। ठीक है, अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्, अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्, इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। क्या है, संस्कृत भाषा में, कभी कहते हैं कि संस्कृत भाषा में जो ऐसे धारणा रखते हैं लोग कि संस्कृत भाषा में सिर्फ धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई, तो गलत है। संस्कृत भाषा में के महान लोगों की मति, उत्तम लोगों के धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का भी वर्णन किया गया। अतः अस्महा भी संस्कृतम अश्वमेव पठनीयम्, इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, ठीक है ना, इससे मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। अगर हम संस्कृत भाषा का ज्ञान रखते हैं, संस्कृत भाषा में अनेक साहित्य पढ़ते हैं, तो हमारा भी और मनुष्य का भी और पूरे समाज का भी क्या है, सुधार होगा। और क्या है, उक्तम चा मतलब कहा भी गया है, उक्तम चा कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम, मित्र संस्कृत, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचहा, मित्र संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल है। भाषासु महानियम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, यह भाषाओं में महान है और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। तो आपने इस पाठ को सुना होगा और समझा होगा, तो एक बार आप भी घर पे रीडिंग करेंगे और इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं इनको भी आप क्या है, याद करेंगे, और इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।